अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वीडियो को शेयर मारो ज्यादा से ज्यादा, शेयर मारो फटाफट। तो अभी मैं पुलिस स्टेशन गया था, तो ऐसा है कि पुलिस स्टेशन में मैं और 15 दिन में हाजिरी पुराने जाना है तो वो गया, तो मैंने देखा कि पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। तो मैंने सोचा कि कुछ सरकार से मांग की जाए, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि महाराष्ट्र के अंदर ये देखो पुलिस कैसा काम कर रही है, देखो आप देखिए पुलिस कितना हार्ड वर्क कर रही है, देखिए खाली ये देखिए, सारे पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में लगा के काम कर रहे हैं हमारे लिए। सर हम सलाम करना चाहते हैं आपको, दिल से सलाम करना चाहते हैं सर। तो मेरी एक मांग है सरकार से कि देखो सारे जितने भी है उसके अंदर 200 पुलिस वाले एक पुलिस स्टेशन में, मतलब एक रीजन में काम करते हैं, टोटल मिला के 12 जोन में 50,000 पुलिस वाले काम करते हैं सब मिला के, उसमें ऑफिसर्स भी हो गए, वर्किंग भी हो गए सारे। मैं ये चाहता हूं कि इनके लिए हर अस्पताल में कम से कम 50 बेड हमेशा रेडी रहने चाहिए, 50 बेड पुलिस वालों के लिए, 50 बेड हर रीजन में ऑलवेज रेडी रहने चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। सेफ्टी तो कुछ भी नहीं, एक मास से कोई सेफ्टी नहीं होता इस चीज का, और प्लस इनको सेल्फ डिस्टेंस कैसे ये रखेंगे कि लोगों को समझाना है कि बेवकूफ लोग, बदतमीज लोग, जब देखो इसमें ऐसा है कि अगर एक पुलिस वाले को होता है तो पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, उसकी फैमिली को तो कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार इनको कोई भी ऐसी चीज फैसिलिटी नहीं दे रही है कि भाई पुलिस वाले को अगर कुछ हो गया ऑन ड्यूटी तो उसको ये मिलेगा, या डॉक्टर को कोई ऑन ड्यूटी हो गया तो ये मिलेगा। भाई मैं बोल रहा हूं डॉक्टरों से ज्यादा काम पुलिस वाले कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो 30-35 लाख की कैपेसिटी में 2-2.25 करोड़ लोग है, और 2.25 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना तो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बॉम्बे में है, सबसे ज्यादा धारावी ये वो सारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको कंट्रोल करना, फिर ट्रैफिक को कंट्रोल, मतलब लोग निकल जा रहे बाहर उनको कंट्रोल करना, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ये सब लोग लगे हुए। तो ये मेरी एक डिमांड है कि उनको विटामिन सी की गोली, जिंक की गोली, और रोज इनको 2-3 मास दिए जाए, एक मास से काम नहीं चलेगा, 3 मास उनको दिए जाए, क्योंकि एक मास का कैपेसिटी 3 घंटे में खत्म हो जाता है, तो हर 3 घंटे के बाद उनका मास्क बदला जाए, उनको हाथ में ग्लव्स दिए जाए अच्छी क्वालिटी के, और उनको विटामिन सी और जिंक की गोलियां दी जाए, और उनको जूसेस विटामिन सी के ये दिए जाए ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और वो कोरोना से लड़ सके अगर कुछ हो तो। और उनके लिए 50 बेड हर अस्पताल में ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑल द टाइम फॉर पुलिस 50 बेड शुड बी रेडी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि भाई सब पुलिस वाले खराब नहीं होते, एक पुलिस वाला खराब होता है उसके लिए सारे पुलिस को हम ये नहीं कर सकते। आज की डेट में पुलिस जो हमारे लिए काम कर रही है वो एक समझ लो कि सबसे बड़ा अगर हीरो कोई है तो वो मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस है। मेरे यारों, मेरे प्यारों, हमारे हीरो के लिए
ये वीडियो शेयर करो, और देखो जो जो पुलिस वाले गलत होते हैं, जो जिन्होंने ऐसे वीडियो आए जो लोगों को मार रहे, ये कर रहे, कुछ पुलिस वाले उनको लोग सरकार ने सस्पेंड भी किया है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, और महाराष्ट्र पुलिस तो एक नंबर पे आ रही है। तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए ताकि ये मांग सरकार तक पहुंचे, क्योंकि देखो भाई इन पुलिस वालों की भी फैमिली होती है, इनके भी बीवी बच्चे होते हैं, और ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए ताकि ये बात दूर तक पहुंचे। और एक बात, अभी हम एक लिंक डालने वाले हैं, हमारी माँ का गाना हमने बनाया, आपको पता होगा, हमारी माँ पे नहीं, हमारे पूरी दुनिया की जितनी माँ है उनके लिए हमने वो गाना लिखा है, पूरी दुनिया की जितनी माँ है, वो गाना हमने दिल से लिखा है, और कल मदर्स डे है इसलिए हम आज उस गाने को डाल रहे हैं। भाई मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन ये गाना जितना चलेगा इसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो मैं अल्लाह के बंदे में डालने वाला हूं। तो ये समझ लो ये गाना जितने लोग ओपन करेंगे, जितने लोग शेयर करेंगे, उससे भी हर माँ के लिए दुआ भी जाएगी, और अपनी माँ को हर रोज मदर डे होता है, मदर डे कोई का एक दिन नहीं होता है, हर रोज मदर डे होता है। प्लीज अपनी अम्मी से प्यार करिए, उनको हक दीजिए। जिसकी माँ है वो बहुत किस्मत वाला है, जिनकी नहीं है मेरी तरह वो बहुत बदकिस्मत है, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करिए, हमारी अम्मी के लिए दुआ करिए, और अपनी माओ को इतना प्यार करिए, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी दौलत है, माँ बाप चले गए किसी के तो समझ लो सब चला गया। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ताउन करते रहिए ताकि आप लोग जो डोनेशन कर रहे हो उससे बहुत गरीबों का भला हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गरीबों का भला हो रहा है, और इस तरह से होता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे अल्लाह ताला कर रहे, अल्लाह के अलावा किसी की कोई औकात नहीं है। बस दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।